एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा 8 घंटे का स्कूल है, 1-1 घंटा आना जाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे हो जाते हैं, पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं यही कह रहा हूं कि जो आप ये चैट करते हैं या जो अपना आप समय व्यर्थ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, जितना समय एक टॉपर के पास और एक फेलियर होने वाले बंदे के पास सेम ही होता है, एक टॉपर के पास और एक फेलियर होने वाले बंदे के पास सेम ही होता है, क्योंकि दोनों की 11वीं और 12वीं सेम समय पर स्टार्ट होती है, सेम समय पर एंड होती है। 11वीं की अगर मैं बात करूं तो 10वीं के रिजल्ट आया तो सेम समय ना, ठीक है, अब ये नहीं हमारा तो स्कूल अभी खुला ही नहीं है, कुनिया देंगे। 10वीं के बाद तो आप 12वीं के लिए तैयार हो रही हैं, 10वीं का रिजल्ट तो सबका सेम आया, तो उसके बाद से तैयारी सबकी सेम। जिस तरीके से आप समय को अपना मैनेज करेंगे उतना ही कम चांसेस होंगे आपको ड्रॉप लेने के। आपके पास मैं मानता हूं स्कूल होगा, प्रैक्टिकल होगा, स्कूल के टेस्ट होंगे, लेकिन एक अच्छा बच्चा इन सब चीजों की, इन प्रॉब्लम्स में ये नहीं सोचेगा कि यार ये मेरे पास प्रॉब्लम, वो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालेगा। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके जेई मेंस में 60% तक नहीं आए थे पहले जेई मेंस में, और आखिरी तक आते आते उन्होंने एडवांस निकाल दिया। वो एटीट्यूड होता है ना, क्योंकि तुम लोग छुई मुई बनते हो, हल्का सा दर्द हुआ नहीं, टेस्ट में मार्क्स कमाए नहीं, किताब बंद करी और रोने लग गए। लेकिन असली रैंक होल्डर पता है कौन होता है? असली रैंक होल्डर वो होता है जो टेस्ट खराब होने के बाद अपने अंदर एग्रेशन लाता है कि यार ये अगली बार रिपीट नहीं होने दूंगा। एवरी एक्सक्यूज यू मेक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप जबरदस्ती अपने लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा ये भी करता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ मैं दूसरी किताब लगाता हूं और प्रैक्टिस करता हूं, नहीं करनी। आपको सिर्फ